फिल्म शमिताभ से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अक्षरा हासन जल्दी ही फिल्म लाली की शादी में लड्डू दीवाना में नजर आएंगी। इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए इन दिनों वे मीडिया से इंटरेक्ट करती रहती हैं। जबरदस्त अभिनेता कमल हासन और बॉलीवुड एक्ट्रेस सारिका की बेटी अक्षरा ने ऐसे ही एक इंटरव्यू के दौरान अपने माता पिता की प्रेम कहानी से पर्दा उठाते हुए कुछ खास बातें शेयर की। अक्षरा हासन ने बताया कि 80 के दशक में उनके माता पिता ने एक पीरियड ड्रामा फिल्म राज तिलक में काम किया था। फिल्म राजकुमार कोहली ने डायर एक की थी। इसी फिल्म में कमल हासन और सारिका करीब आए और दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई। अक्षरा का मानना है कि पर्दे पर नजर आने वाली दोनों की केमिस्ट्री पर्दे दरअसल उनकी रियल लाइफ बॉन्डिंग का परिणाम है। अब आप समझे फिल्मों में अपनी प्रेम कहानी से आपको कभी हंसाने तो कभी रुलाने वाले अभिनेताओं की रियल लाइफ लव स्टोरीज भी कितनी मजेदार होती हैं। अक्षरा ने बताया कि उसे अपने माता पिता की फिल्में देखना पसंद है। कमल हासन की फिल्म नायकन और चाची 420 और सारिका की परजानिया उनकी पसंदीदा फिल्मों से एक है। हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा मजा फिल्म राज तिलक देखकर ही आता है। इस फिल्म में अपने पेरेंट्स की केमिस्ट्री देखकर वे काफी रोमांचित हो जाती हैं। हालांकि फिल्म में राजकुमार सुनील दत्त धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जैसे सितारों ने महत्वपूर्ण रोल किए थे पर अक्षरा के लिए फिल्म अपने माता पिता की वजह से खास है। उस दौर में कमल हासन बॉलीवुड फिल्मों में काफी जाना पहचाना नाम बन चुके थे। अक्षरा ने शमिताभ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और अब लाली की शादी में लड्डू दीवाना उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी जो एक रोमांटिक कॉमेडी है और 7 अप्रैल को रिलीज हो रही है।